सत्य के साथ। नमस्कार, मैं शादान सलीम। भारतीय गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मशहूर गेम BGMI यानी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की भारत में वापसी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, भारत में पिछले साल इस गेम को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब हो सकता है कि गेमर्स इस बेहतरीन गेम का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। देखिए हमारी ये पेशकश। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, BGMI एक तरह का वर्चुअल वीडियो गेम है जिसे मोबाइल और कंप्यूटर पर खेला जाता है और भारत में सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक माना भी जाता है। BGMI के भारत में लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही गेम को लाखों लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया, जिसके बाद जिसे भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जुलाई 2022 में सभी वर्चुअल स्टोर्स से हटा दिया था। हालांकि अब फैंस एक बार फिर से इसकी वापसी को लेकर बात कर रहे हैं और उनमें इस खेल की वापसी को लेकर बेहद उत्साह भी है। आपको बता दें, 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच इस गेम में एक नया अपडेट आने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही गेमर्स भी गेम की वापसी पर अधिक स्पष्टता के लिए क्राफ्टन की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद गेमिंग इंडस्ट्री इस पर से बैन हटने का इंतजार कर रही है। हालांकि इस साल फैंस को खुशखबरी मिल सकती है, जल्द भारत में BGMI पर लगा बैन हटाया जा सकता है। कई गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स ने इसको लेकर दावा भी किया है। आखिर क्या थी इस गेम के बैन होने की वजह? क्यों भारत सरकार ने इस गेम पर रोक लगा दी? देखिए, भारत सरकार ने यूजर्स की प्राइवेसी का हवाला देते हुए इस गेम को भारतीय कानून में IT एक्ट की धारा 69A के तहत बैन किया है। इसी धारा के अधीन 2020 में सैकड़ों चीनी एप्स और गेम्स को बैन किया गया था, जिसमें PUBG मोबाइल, UC ब्राउजर, TikTok, ShareIt, क्लैश ऑफ किंग्स, कैम स्कैनर जैसे बेहद पॉपुलर एप्स और गेम्स शामिल थे। इस गेम को डेवलपर ने PUBG मोबाइल पर भारत में बैन लगने के बाद लॉन्च किया था। दावे के अनुसार साल 2023 के शुरुआत में ही इस पर से बैन हटाया जा सकता है। एंड्रॉइड के लिए गेम इस महीने लॉन्च होने वाला है, लेकिन हम इस तारीख पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। गेमर्स को इसके लिए क्राफ्टन द्वारा आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि गेम बहुत जल्द वापस आएगा। BGMI बैन होने के बाद लगातार वापसी की राह तलाश कर रहा है। इस पर पिछले साल जुलाई में बैन लगा दिया गया था। अब इसकी वापसी इस साल हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सत्य के साथ।